हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुनोज कुमार। मैं आज आप लोग को बताऊंगा 3 अंक तक का वर्ग सबसे आसान तरीके कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 203 का कैसे निकालिएगा। तो आप क्या कीजिए, यहां से दो को लाइन बनाइए, जोड़ा बनाइएगा, जिसका जो लास्ट से जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना, फिर इसका, इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर 3 लाइन बनाइए। आप तीनों लाइन में दो दो डिजिट होना चाहिए। तो जैसे देखिए इसका जोड़ा कितना निकला, इसका जोड़ा निकला 0 3, तो 0 को तो वैल्यू है नहीं, सिर्फ 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 9, तो 2 डिजिट लेने के लिए 9 क्या लेंगे हम, 0 9। फिर क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप सबको इनटू कर दीजिए 0 को सिर्फ छोड़ करके, तो 3 2 जा कितना, 3 2 जा 6, और 6 क्या करना हमको, स्क्वायर निकालना, तो इसको 2 से इंटू कीजिए, तो 6 3 जो कितना 12, ये 2 अंक है, तो 2 अंक उतर गया। फिर क्या कीजिए, अब लास्ट वाला कितना, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 4, से पहले क्या होगा 0 0 दीजिए या फिर नहीं दीजिए, कोई फर्क ही नहीं, यानी 203 कैल्शियम कितना निकला 4 12 0 9, ये आपका क्या दिया आंसर। इसी प्रकार देखिए, ये और एक ठो समझ लिए 202 का, तो 2 से यहाँ पे जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा नहीं बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, यहाँ पे 3 आप लाइन बनाइए, तो 0 और 2 0 और 2, यानी कि सिर्फ 2 का ही निकलेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि 0 4, 2 डिजिट लेना है आपको, तो 2 डिजिट लेना है आपको। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, सबको इंटू कीजिए, 2 गुना 2 2 दूनी का 4, 2 गुना 2 2 दूनी कितना हुआ 4 फिर 4 को किससे इंटू कीजिए, 2 से, ये जो स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर के निकालने के लिए हमेशा 2 से इंटू कीजिएगा, 4 2 जा कितना 8, 8 क्या हुआ 1 डिजिट बना, तो 2 डिजिट बनाने के लिए क्या 0 8 लेंगे, फिर क्या आया 0 और यानी 2 का स्क्वायर कितना आया 4, तो आपका आंसर क्या आया 40804। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 505 का आप निकाल सकते हैं, इसी तरह 505 का निकाल सकते हैं 505, क्या कि इसका जोड़ा बनाइए, तो इसके लिए 3 लाइन बनाइए, 0 और 5 0 और 5 का स्क्वायर कितना देगा 25, फिर क्या कीजिए, शुरू और लास्ट यानी जो संख्या से इंटू कीजिए 25, स्क्वायर निकालने के लिए 2 से फिर इंटू करेंगे, तो 25 दूनी का कितना 50, फिर 5 का स्क्वायर 25, आपका आंसर कितना दिया 25 50 25, ये आपका क्या हुआ आंसर, जो था वही उतार दिए। फिर अब देखिए इसी तरह 112 का निकालिए, 112 का क्या कीजिए, इसको भी जोड़ा लगाइए, इसको 3 लाइन अप बनाइए, 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है, तो 44 तो हमको क्या, हम आपको बताएं कि 2 ही डिजिट लेना है, तो 2 डिजिट लीजिए 44, अब यहाँ पर क्या, जितना संख्या सबको इंटू कर दीजिए, यानी संख्या कितना है, संख्या कितना, ये 12 है, 12 इंटू कितना 1, तो 12 को 1 से इंटू करेंगे तो 12 ही देगा, फिर क्या स्क्वायर निकालने के लिए 2 से इंटू करेंगे, 12 दूनी कितना हुआ 24, एक बज गया, तो कितना हो गया मेरा यहाँ पे 25, फिर 1 का स्क्वायर कितना 1, यानी कि 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना दिया 12544, आपका क्या दिया आंसर। अब देखिए इसी तरह 210 का, 210 में थोड़ा सा रूल यानी यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे क्या, सिर्फ यहाँ पे देखिए सेम टू सेम हमें 2 जोड़ा लगाइए, यहाँ पे सिंगल जोड़ा, यहाँ पे 3 वर्ड में उतारिए, यहाँ पे क्या 10 का स्क्वायर कितना, जब लास्ट में क्या रहता है 0 रहता, तो यहाँ पे 3 अंक लिया जाता है, यहाँ 1 अंक, यहाँ लास्ट में जो होगा वो ले लेंगे, यहाँ पे 1 अंक और 2 अंक दोनों ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि इसका स्क्वायर कितना हुआ 100, 3 वर्ड उतार दिए, 3 वर्ड है, 3 से हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कितना हुआ 100, फिर क्या कीजिएगा, इसको इससे इंटू कीजिए, यानी सिर्फ इसमें क्या होता है 10 का 10 10 20, इसमें सिर्फ संख्या से इंटू करेंगे, 2 गुना 1 गुना इंटू स्क्वायर निकालने के लिए 2 से इंटू, 2 2 जा कितना 4 आया, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, फिर लास्ट वाला का कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना 4 बस, यानी कि आपका आंसर क्या दिया 44100, ये आपका क्या हुआ आंसर। अगर इसमें नहीं समझ में आए तो देखिए 520 का निकाले, आप इसी तरह कोई भी वर्ड 3 का आप निकाल सकते हैं, इसी तरह 520 का आप निकालिए, फिर यहाँ पे क्या कीजिए, आप जोड़ा लगाइए, फिर यहाँ पे 3 वर्ड लीजिए, क्या करेंगे आपको क्या बताएं, लास्ट वाला 3 डिजिट लेना है, यहाँ पे कितना उतारना है 3 डिजिट, इससे पहले हम 2 डिजिट लेते थे, कब 0 जब लास्ट में नहीं रहता था तब, लेकिन लास्ट में जब 0 है तो हम 3 डिजिट 1 डिजिट जो रहेगा उतारेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, अगर नहीं दिक्कत होता देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 0 का 00 उतार दिए, यहाँ पे 3 डिजिट है तो दोनों उतार दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके संख्या से इंटू कीजिए 5 गुना 2 गुना 2, 5 का 5 5 दुनी 10 10 का 10 2 दुनी का 20
20 आया लेकिन हमको लेना है एक ही डिजिट, तो एक डिजिट में जीरो लीजिए, आप दो को रहने दीजिए, कॉमन ले लीजिएगा। फिर 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 25 और दो कितना 27, 270400, ये आपका क्या है। अगर कोई दिक्कत हो रहा तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।